हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं और बीटीआर जॉब अलर्ट के टीम ने एक ई बुक लॉन्च कर दी है और ई बुक का जो नाम है वो लोग आप लोग देख सकते हैं ऊपर में, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड एमसीक्यू ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्पेशली उसको बनाया गया है APSC, SSC, EDRE, BTR रिक्रूटमेंट और असम पुलिस और DME के लिए। लेकिन ये सिर्फ असम पुलिस या असम रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट के लिए भी है। और आप लोग यहाँ में देख सकते हैं ई बुक का जो प्राइस है वो सिर्फ 59 रुपीज़ दिया गया है। और ये ई बुक एक बहुत ही लाभदायक ई बुक है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें जितना भी आर्टिकल्स रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है उन सभी को इसमें कवर किया गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से कवर किया गया है ताकि सबको समझ में आए। उसके साथ साथ इसमें 100 MCQ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड किया गया है, ठीक है। और ये जो 100 MCQ है उसके साथ साथ जो कंटेंट कवर किया गया है ये सब एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोग कंटेंट को भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले कंटेंट से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ में आप लोग क्यूआर स्कैनर आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद साइड में आप इस साइड में देख सकते हैं मेक पेमेंट बाय क्यूआर स्कैन, ठीक है। क्यूआर स्कैन में आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं उस नंबर में। ये जो नंबर है हमारे टीम मेंबर का है जो PDF सेल वो करेंगे। ई बुक का प्राइस सिर्फ 59 रुपीज़ लिया गया है। उसके साथ साथ आप यहाँ में नीचे में दिया गया है, आप देख सकते हैं ई बुक विल बी प्रोवाइडेड इंस्टेंटली बाय द टीम ऑफ BTR जॉब अलर्ट, ओके। तो हम लोग आप लोगों को अभी कंटेंट दिखाते हैं। कंटेंट में आप देख सकते हैं, देखो टोटल कितना कंटेंट है, 10 कंटेंट यहाँ में कवर किया गया है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आर्टिकल्स Part 1 and Part 3 यहाँ में कवर किया गया है। जो आर्टिकल Part 1 जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार आ चुका है। उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, उसके साथ साथ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम जिसको बोलते हैं, जो कि Article 36 तो Article 51 तक रहता है, वो सब हमने कवर किया है इस PDF के ज़रिए। यहाँ में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट Article 52 से लेकर Article 62 तक यहाँ में कवर किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ में आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ नंबर 6 में आप देख लीजिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसके साथ साथ अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी है। नंबर 8 में आप देख सकते हैं 12 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा शेड्यूल्स 12 रहता है, लेकिन किसी को मतलब कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि वो 12 शेड्यूल्स क्या क्या है, वो सब यहाँ में कवर किया गया है। 11 फंडामेंटल्स के बारे में तो हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन यह सिर्फ बहुत ही कम लोगों को होता है। उसके साथ साथ आप नीचे में आप देख सकते हैं, देखो 100 MCQs ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, ये सब कवर किया गया है, ठीक है। ये MCQ है, तो मैं इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये PDF खरीद लेना, क्योंकि 59 रुपीज़ कोई बड़ा रकम नहीं है एज़ कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटिव अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो मैं वीडियो को ये में रख देता हूँ। थैंक यू।